नमस्कार दोस्तों, बीएसएल मिलियन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आए हैं फैक्ट्री में, और आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रोलर के मिलिंग के और चेजिंग के बारे में मैं बताऊंगा। तो अभी आए हैं हम एक फैक्ट्री में, तो चलिए आपको कैसे मिलिंग चेजिंग होता है वैसे मैं आपको टोटली बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं मिलिंग के पास आया हूँ, यहाँ मिलिंग होता है, ये मिलिंग मशीन बोलते हैं। और हमारे पास है साथ में अभी है राजू भर, नमस्कार। यहाँ का जो फिटर है, मेन हेड फिटर है, यही पूरा मशीन ऑपरेट करते हैं। तो पहले राजू जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मिलिंग और चेजिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मिलिंग कैसे होता है? देखिए, पहले तो इसको शार्प करना चाहिए। हाँ। और शार्प करके फिर उसको हम लोग मिलिंग पर लाते हैं। ओके। मिलिंग पर लाके उसको मिलिंग में सेंटर करके फिर मिलिंग करते हैं। ओके। और मिलिंग को हम चला के दिखाते हैं। ओके। कैसे चलाया जाता है। ओके। और ये TNI का मशीन है, ऑटोमेटिक मिलिंग मशीन है। तो ये दोस्तों TNI का ऑटोमेटिक मशीन है, TNI कंपनी ग्लोबल कंपनी का है। मेरा किसी कंपनी को मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ। तो अभी ये स्टार्ट कर दिया है मिलिंग मशीन, और देखिए कैसे मिलिंग होता है। इस समय आप देख पा रहे होंगे मशीन चल रहा है। गियरबॉक्स बोलते हैं, और एक गियरबॉक्स शाफ्टिंग है, ये गियरबॉक्स शाफ्टिंग है। यहाँ पर कटर लगाया हुआ 62 का, और यहाँ पर अभी मिलिंग चालू हो गया है और मिलिंग हो रहा है। ये जो रोलर है, एक रोलर कितने घंटा में मिलिंग होता है? मैक्सिमम 6 घंटा में कंप्लीट हो जाता है एक रोलर मिलिंग। तो एक रोलर को मिलिंग होने में 6 घंटा लगता है। और मिलिंग के लिए कितने LH का आप कटर यूज करते हैं? 65 का करते हैं। तो एक कटर मुझे दिखा सकते हैं क्या? ये है आपका 65 का कटर है। दोस्तों ये है कटर मशीन जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि 65 LH का कटर है। तो इसमें डीप दिया जाता है इससे कटिंग करके, और इसमें डीप होता है कि कितना डीप चाहिए, थाव के हिसाब से डीप दिया जाता है, 10 थाव, 12 थाव या 14 थाव। तो ये पत्ती का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पत्ती का फैक्ट्री में क्वालिटी कैसा है। अगर अच्छा क्वालिटी है तो डीप कम भी होने से आपका चल सकता है। चलिए, हमने अभी आपको दिखाया मिलिंग कैसे होता है। अब मिलिंग पे इस पर जैसे मिलिंग हो चुका होता है, उसके बाद चेजिंग में जाता है। तो चलिए हम चेजिंग मशीन आपको अभी दिखा रहे हैं। तो अभी हमने आया है चेजिंग मशीन की तरफ। इस पर हम लोग पहले उठाते हैं, फिर उठाने के बाद में इसे सेंटर करते हैं। ओके। तो मार्किंग ब्लॉक है, मार्किंग ब्लॉक से सेंटर करते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? मार्किंग ब्लॉक बोलते हैं इसको, मार्किंग सेंटर भी बोलते हैं इसको। तो दोस्तों अभी ये मार्किंग ब्लॉक बोलते हैं इसको, इसके हिसाब से आपको ये चेजिंग करने के लिए सेंटर किया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पर लगाते हैं, फिर लगा के इसको हम सेंटर करते हैं। जैसे इसको सेंटर करते हैं, इसको हम लोग गाइड को बांधते हैं, फिर ये आपका गाइड बोलते हैं, गाइड बोलते हैं इसको। चेजर कैसा होता है, चेजर दिखाइएगा। चेजर ये है आपका, 8 TPI का चेजर है। 8 TPI का चेजर है। 8 TPI कितने कितने TPI का चेजर आता है? ये 8 और 10, 8 TPI और 10 TPI का चेजर आता है। अच्छा, इसका डीप कितना होता है, इसका कितना डिग्री से नापा जाता है? इसको मान लीजिए 45 का है और 46 का है। अच्छा, तो आप कौन सा डिग्री लगाना चाहते हैं, कौन सा कटर बनाना चाहते हैं, मतलब रोलर, उस टाइप को बनाया जाता है। ओके। तो हम इस पे अभी यहाँ लगाते हैं। इसका प्रोफाइल क्या है? ये भी प्रोफाइल है। भी प्रोफाइल और यू प्रोफाइल का दोनों का कटर रहता है। तो बेसिकली जो बर्टली फैक्ट्रियां होती है जिसमें बुगी यूज होता है, उसमें भी प्रोफाइल का चेजर लगता है। ओके, तो अभी हमको चला करके दिखाइए। चलिए हम अभी इसको ऑन करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग ऑन कर रहे हैं, ऑन करके चेजिंग करके आपको दिखाएंगे कि चेजिंग कैसे होता है। तो अभी सेंटर में ले आकर के वो चेजिंग का जो आपका टूल्स है उसको सेट कर रहे हैं हमारे फिटर साहब। अभी हम सेंटर इसमें चेजर लगाते हैं 10 TPI का। ओके, तो अभी 10 TPI का चेजर लगा रहे हैं, और ऑलरेडी इसमें फ्रेम बना रहता है। अब वो चेजर लगा करके उनमें सेट करना होता है कि कितने डिग्री पर, कितने प्रोफाइल में जा करके उसको चेजिंग किया जाता है, ताकि दोनों के तरफ से जो रोलर मिलिंग और चेजिंग सही अगर बैठता है तभी चाय का जो दाना है बेस्ट क्वालिटी का बन सकता है। सेट करते हैं। इसमें क्या है? इसमें कटिंग ऑयल से पानी आता है, वाटर। इसमें एक कटिंग ऑयल है जो वाटर के जैसा होता है, वो हमेशा गिरते रहते हैं ताकि रोलर गर्म ना हो। और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं
ये कैमरामैन से दिखाऊंगा कि सेगमेंट दिखाइए। इस सेगमेंट में लोहा स्टील और निकल मिक्स होता है और ये अलग से सेगमेंट लगा रहता है। ये जो मेंडल बोलते हैं इसको, ये मेंडल है, इसके ऊपर सेगमेंट लगा रहता है स्टील का और निकल का रहता है, क्योंकि लोहा अगर लगतेगा तो वो हीट होकर के ख़त्म हो सकता है, इसलिए इसमें स्टील और निकल का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने चेचर लगा दिया ओके, और अभी इसको सेट करेंगे 10 TPI पर। अभी 10 TPI पर सेट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 10 TPI पर सेट हो गया है। हमने सेट कर दिया इसको ओके, और यहाँ में उसका 00 इसको करना पड़ेगा। उनका मॉनिटर ऑलरेडी लगा हुआ है, वहाँ पे 00 करने के बाद इंटर कर देंगे। अभी 00 ये हो गया ओके, अभी हम इसको चलाने के लिए शुरू करेंगे। अभी यहाँ पे ये स्विच देंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं पानी भी गिर रहा है, और यहाँ पे जैसे जैसे अंदर की तरफ पुश करेंगे वैसे वैसे वो कटिंग होकर के गिरते जाएगा। तो इस तरह से मिलिंग और चेजिंग कंप्लीट होने के बाद वो रोलर फिर रेडी होकर के CTC में लगने के लिए तैयार है। तो अभी आप देखे होंगे इस वीडियो में कि कैसे मिलिंग और चेजिंग किया जाता है। और तो आशा करता हूँ चाय से जुड़ी अगली वीडियो में और भी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए मैं राजू जी को धन्यवाद बोलता हूँ मेरे लिए समय निकाल के देने के लिए। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और आगे कमेंट में कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं प्रयास करूंगा कि वैसा वीडियो आपको बना करके दूं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक।